मुसलमानों को पता चला काफिर मदीना पर हमला करना चाहते, दूसरी हिजरी आ गई, 13 साल मक्का के टॉर्चर में रहे, 2 साल मदीना के, 15 साल हो गए हैं, कुफार ने मजालिम के पहाड़ तोड़े, मुसलमानों को शहीद किया, मगर मुसलमानों ने तलवार नहीं उठाई। आज इस्लाम पर इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। वो 13 साल मक्का में तलवार किसके पास थी? कौन से मुसलमान के पास तलवार थी? आज यूरोप, अमेरिका सबसे तेजी से फैलने वाला इस्लाम है, तलवार किसके पास है? अमेरिका में इस्लाम फैल रहा है। मुझे दिखाओ कौन सा मुसलमान है जो तलवार से मुसलमान कर रहा है। बर्तानिया में इस्लाम फैल रहा है। मुझे बताओ किस मुसलमान के पास तलवार है जो तलवार से फैला रहा है। इस्लाम दुनिया में फैल रहा है लोहे की तलवार से नहीं, मदीने वाले के अखलाक की तलवार से। हुज़ूर मदीना आ गए, दुश्मन काफिर हमला करने के लिए जब तैयारी करते हैं तो 15 साल के बाद अल्लाह ने कुरान में मुसलमानों को इजाजत दी कि अब ये डंडे के बगैर काबू नहीं आएंगे। 15 साल तक तुम बर्दाश्त करते रहे हो, अब तुम अपने दिफा के लिए तलवार उठा लो। टू डिफेंड यूर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए आप ताकत का जवाब ताकत से दो। कुरान में क्या आता है? उज़िना लिल्लज़ीना युकातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उन लोगों को जंग की इजाजत दे दी गई जिनके खिलाफ जंग की जाती थी क्योंकि उन पर जुल्म किया गया था। वकातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युकातिलूनकुम, कुरान ने कहा मुसलमानों तुम तलवार उठा सकते हो मगर उनके खिलाफ जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठा रहे हैं। 15 साल के बाद तलवार उठाई मगर डिफेंस के लिए, और उसका ऐसा सबूत देने जा रहा हूं दुनिया की कोई तारीख उसका इनकार नहीं कर सकेगी। पहली 3 जंगें, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, ये तीनों जंगें जो हैं ये मदीना के करीब लड़ी गई हैं दिफा में। वो मक्का से सफर करके हमलावर होकर आए थे। जंगे बदर में मदीना से 90 मील, मक्का से 150 मील दूर वो हमला करके आए थे। उनकी तादाद 1000 थी, उनके पास 100 घोड़े थे, उनके पास 600 ऊंट थे, 1000 तादाद थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 मुसलमान थे। एक घोड़ा था और 80 ऊंट थे। सब 80 ऊंटों पर 313 सवार नहीं हो सकते। हुज़ूर ने 3-4 सहाबा के लिए एक एक ऊंट मुकर्रर कर दिया कि तुम बारी बारी इसके ऊपर सवार करो। एक ऊंट हुज़ूर ने जो अपने लिए रखा उसके साथ भी 2 सहाबी रखे। आज का कमांडर इन चीफ होता अपने लिए स्पेशल तैयारा रखता, मगर हुज़ूर ने जहां सहाबा को 3-3 को एक ऊंट दिया है, खुद भी 2 और सहाबा के साथ ऊंट रखा है, सबसे पहले हुजूर सवार हुए। मंजिलें मुकर्रर कर दी गई कि इतनी मंजिल तक एक सवार ही करेगा, उतनी मंजिल तक दूसरा करेगा। जब हुजूर की बारी खत्म हुई तो हुजूर ने ऊंट बिठा दिया, उतराया, कहने लगे आप कोई और बैठे।
वो दोनों हाथ बांध के अर्ज करते हैं, हुजूर हम खादिम चलने के लिए तैयार हैं, हमें पैदल चलने में मजा आ रहा है, आप सवार रहे। हुजूर ने फरमाया नहीं, तुझे जिहाद के रास्ते में सवाब चाहिए तो मुझे भी चाहिए, अब मैं पैदल चलूंगा और तू सवार। हुजूर पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार हो रहा है, मुसावात की दावे करने वाली दुनिया आज खुद स्पेशल तैयारों पे बैठते हैं और अवाम के लिए टूटे फूटे हुए तैयारे होते हैं। मुसावात का दर्श जो मदीने वाले ने दिया है, आज दुनिया उसकी मिसाल नहीं दे सकती है। पहली जंग, जंगे बदर, मदीना से 90 मील के फासले पर वो हमलावर होकर आए थे। दूसरी जंगे ओहद, मदीना के चंद मील के फासले पर वो हमला करके आए हैं। उनकी तादाद 3,000 है, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 है। भला मुसलमान हमला कर सकते थे? 700 को क्या पड़ी थी 3,000 के साथ लड़ने के लिए? वो अपने दिफा के लिए गए। तीसरी जंग, जंगे खंदक, ये मदीना के दरवाजे पे लड़ी गई है। सारे मक्का वाले, सारे अरब के कबाइल इकट्ठे होकर 10,000 की तादाद में आए और उन्होंने आकर मदीना पर हमला करना चाहा। जवाब में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई है, दिफा में तलवार उठाई है।